नमस्कार प्यारे साथियों, आज की हमारी जो कहानी रहेगी रक्षाबंधन से संबंधित। रक्षाबंधन का जो ये पावन त्यौहार है, इसे मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं किस प्रकार से, आइए हम सब मिलकर इस कहानी का जो वर्णन है ये सुनते हैं। साथियों, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था, इसलिए यह त्यौहार बले नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से यह त्यौहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। साथियों, रक्षाबंधन के संबंध में एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है। देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता हारने लगे, तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। तभी से राखी बांधने की ये जो प्रथा है शुरू हुई। साथियों, दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्णाहुति इसी दिन होती थी। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे, इसलिए आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को प्यार से राखी बांधती है और उसके लिए अनेक शुभकामनाएं करती है। भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। बीते हुए बचपन की झूमती हुई याद भाई बहन की आंखों के सामने नाचने लगती है। सचमुच रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई को बहन के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। राखी के इन धागों ने अनेक कुर्बानियां करवाई हैं। चित्तौड़ की राजमाता क्रमवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और वह भी संकट के समय बहन क्रमवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ आ पहुंचा था। साथियों, आजकल तो बहन भाई को राखी बांध देती है और भाई बहन को कुछ उपहार देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है। लोग इस बात को भूल गए हैं कि राखी के धागे का संबंध मन की पवित्र भावनाओं से है, ना कि महंगे महंगे उपहार देने से है। आजकल ज़्यादातर हमारे समाज में यही चलन चला हुआ है। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उसे किसी न किसी प्रकार का उपहार देकर अपने कर्तव्य से अपना पल्ला झाड़ लेता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर भाई को चाहिए कि अपनी बहन की रक्षा वो हर समय हर परिस्थिति में जरूर से जरूर करें। तो साथियों, आज की हमारी जो ये कहानी कुछ इस प्रकार से रहेगी। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये किस प्रकार और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो ये पौराणिक कथा थी हमने और आपने सभी ने मिलकर सुनी है। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसी प्रकार की फिर से एक अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी में हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।